आपने मुझे बजट सत्र 2023-24 पर चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बजट में सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने सबका ध्यान रखा है। यूँ वाद विवाद एक अलग चीज़ है, लेकिन देखा जाए तो हर चीज़ में, चाहे आप चाहे सद्भाव को देखें, सभापति महोदय आगामी वित्त वर्ष में जो लगभग 1 करोड़ NFSS परिवारों को निःशुल्क राशन के साथ साथ प्रतिमाह 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक व 1 लीटर खाद्य तेल, मसाले उपलब्ध कराने का जो सराहनीय काम किया है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि जो उज्ज्वला योजना है, वो बिल्कुल भी, वो सिलेंडर घरों में रखा हुआ आ गए थे, आज उसकी कीमत सिलेंडर की 1000 से ऊपर हो गई, तो 500 रुपये का जो सिलेंडर LPG गैस का उज्ज्वला योजना में देने का जो घोषणा की है, वो एक सराहनीय कदम है। मैं धन्यवाद देता हूँ। सभापति महोदय, अगर विद्युत की बात करें तो 100 यूनिट तक बिजली का जो उपयोग निःशुल्क दिया जा रहा है, वो तो आम आदमी के लिए बड़ा फायदेमंद है। इसमें साथ साथ मैं एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी में गोलारी में 33 KV GSS की सख्त आवश्यकता है। अगर उससे ये डांग क्षेत्र में आती है और मदनपुर वहाँ से लगा हुआ है, जिसमें कि 3 फेज का कनेक्शन आज तक भी उपलब्ध नहीं है। मैं महोदय निवेदन करना चाहूँगा कि गांव लीलोटी, वो भी एक बहुत ही डांग क्षेत्र के इलाके में है, वहाँ 33 KV GSS की अगर व्यवस्था हो जाती है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमें डांग क्षेत्र में बिजली का काफ़ी फायदा मिलेगा। साथ साथ जब से ये बसेड़ी विधानसभा नई विधानसभा बनी है, लेकिन जो जितने भी कार्यालय थे वो सब दूसरी विधानसभा में हैं, उसमें एक JVNL का जो कार्यालय है, एक्शन कार्यालय, वो भी मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में खोलने की मांग करता हूँ। सभापति महोदय, युवा और खेल मामले की अगर बात की जाए तो जिस तरह से 200 करोड़ रुपए की दक्षता विकास, कौशल प्रशिक्षण में रोजगारमुखी संस्थान उपलब्ध कराने, 100 करोड़ रुपए का समग्र व्यक्तित्व विकास, 200 करोड़ रुपए की शिक्षा छात्रवृत्ति, ये 500 करोड़ रुपए का जो एक घोषणा की है, ये बड़ा ही सराहनीय कदम है। सावित्री फूलेबाई वाचनालय, डिजिटल लाइब्रेरी की हर ब्लॉक में व्यवस्था की है, इससे बहुत बड़ा फायदा हम सबको मिलेगा। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी में ग्राम पंचायत कोटरा में एक खेल स्टेडियम हमने जमीन अलॉट कराई थी, उसमें हमने करीब 50-60 लाख रुपए की बाउंड्री वाल कर दिया है, लेकिन क्षेत्र बड़ा होने के कारण अगर 2 करोड़ रुपया हमको इसमें मिल जाता तो एक अच्छा विधानसभा के में एक खेल मैदान तैयार हमारा हो सकता है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक सरकार ने राजीव गांधी एविएशन विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक साहसिक कदम उठाया है और अमेठी की तर्ज पर, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ये जयपुर में खोला जाना है। इस विश्वविद्यालय को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे डांग क्षेत्र में ये बहुत ही ज़मीनें हैं, उपलब्धता है, अगर इसको जिले धौलपुर में खोला जाए तो हमको सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा, सरकार को भी बहुत आसानी होगी, ज़मीन की भी कीमतें कम हैं, उसका भी फायदा सरकार को पैसे देने में आएगा। महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि कन्या महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा काफ़ी हुई है, लेकिन मेरे क्षेत्र में बसेड़ी ब्लॉक में भी और सरपुत्रा ब्लॉक में भी अभी तक कन्या महाविद्यालय नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि ये पिछड़ा क्षेत्र है, इसमें अगर ये व्यवस्थाएँ होती हैं तो निश्चित रूप से बच्चियों के एजुकेशन के लिए हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उपखंड बसेड़ी में एक ITI खोलने की अगर व्यवस्था हो जाए तो हमें काफ़ी कुछ ठीक मिलेगा। महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि जिस तरह से कालीबाई भील देवरान स्कूटी योजना में 20,000 से 30,000 स्कूटी कर दी है, लेकिन इसमें जो विशेष योग्यजन है वो हमारे पास बहुत से लोग आते रहते हैं और ऐसी स्थिति है कि अगर इन लोगों के लिए भी 500 स्कूटी और पूरे राजस्थान में कर दी जाएँ तो मैं सोचता हूँ कि जो विशेष योग्यजन लोग हैं इनको भी इसका काफ़ी फायदा मिलेगा, साथ साथ दुआएँ मिलेगी सरकार को, जो कि इसका और ध्यान रखा जा रहा है। सभापति महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो एक एक कला, वाणिज्य, विज्ञान और कृषि का जो ये किया है, ये नाकाफ़ी है, कम, बहुत कम है, इसको 4-4 कम से कम स्कूलों में किया जाए, क्योंकि मैं निवेदन करना चाहूँगा मेरे यहाँ भी कृषि विश्वविद्यालय अपने खोला है महाविद्यालय, उसके ये कृषि की सब्जेक्ट नहीं होने से हमारे क्षेत्र तो पिछड़ रहा और बाहर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और ये जो विद्यालय में आधारभूत संरचना के लिए जो जर्जर भवन है, इसकी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें MLED का पैसा नहीं लगता है, तो ऐसे में क्या है कि जो पैसा दिया है 200 करोड़ रुपया, ये बहुत कम है, अगर इसको 400 करोड़ रुपया कर दिया जाए तो जितने भी स्कूल हैं वो सबके क्लासरूम्स हैं, आपके टॉयलेट्स हैं, सबका एक बार अच्छे से मरम्मत हो जाए तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हमको मिलेगा। सभापति महोदय,
जब तक बात करें तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये एक ऐसा वो कह सकते हैं कि आम आदमी के लिए, गरीब के लिए वो हथियार मिला है, जिससे कि बेचारे जो इलाज नहीं करवा पा रहे थे उन लोगों को 25 लाख रुपए तक का एक इलाज जो होने मिला है परिवारजन को, वो बहुत ही जो अच्छी चीज़ है। साथ साथ दुर्घटना जो बीमा है योजना, ये 5 लाख से बढ़कर जो 10 लाख हुआ है, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो क्षेत्र में जब लोगों के पास जाते हैं तो एक ऐसा लगता है कि भाई एक कोई राजनीति आया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ फल मिलेगा। लेकिन इस योजना से हमको भी एक मजबूती मिली है कि हम जब भी जाते हैं वहाँ पर और जाने के साथ जब बात करेंगे और उन लोगों को कहेंगे भाई ये 10 लाख रुपये आपको मिल सकते हैं, ये तरीका है, तो वो उस परिवार को काफ़ी संबल मिलता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी योजना रही है। लेकिन साथ साथ क्या है, मेरे ग्राम पंचायत भाली और ग्राम पंचायत बिलोनी में भी एक स्वास्थ्य के लिए PSC खोलने की मैं मांग करता हूं। अगर ये दोनों PSC खुल जाती हैं तो मेरे क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी फायदा मिलेगा। महोदय, ये सार्वजनिक निर्माण की अगर बात करें तो 10 करोड़ से जो आपने लागत के लिए हमें सड़कें दी हैं, ये बहुत कम है। हम जहाँ भी बात कर रहे हैं, अभी हमने वर्किंग भी की है, तो केवल 5-7 पंचायतों में ही रहकर ये 10 करोड़ रुपए ख़त्म हो गए। आज चुनाव का टाइम है, ऐसे में कोरोना की वजह से ये सड़कों का काम को बात पीछे रहा, पैसा नहीं मिला। ML लैंड में पैसे की जो स्थिति थी वो उसमें देनी पड़ गई हमको चिकित्सा में। तो ऐसे मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, शायद सभी लोग चाहते होंगे कि इसको अगर 20 करोड़ रुपया कर दिया जाए तो निश्चित रूप से काफ़ी जो जर्जर सड़कें हैं जिनका मेंटेनेंस होना है वो हो सकता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी मैं 2-3 चीज़ें हैं जो इतनी खतरनाक हैं कि हमारे एक नदी जाती है, उस नदी में हर बरसात के टाइम में या तो ट्रैक्टर ट्रॉली या आदमी या पशु कोई क्या नाम है दुर्घटना इस तरह की होती है। जिसमें बाढ़ी से बसेड़ी मार भूतेश्वर का मंदिर है, ये पारवी नदी पर पुल चाहता है, बसेड़ी पुराना थाना है उससे बागथर की जो हम जाते हैं वहाँ भी एक ओवर ब्रिज की आवश्यकता है, चकैयापुरा गांव के पास पार्वती नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता है, ममोदन से नौनेरा की और पार्वती नदी पर पुल निर्माण की भी मैं मांग करता हूँ। क्योंकि महोदय, मैं अभी गया था चकैयापुरा में भी, अभी बरसात के टाइम में जो स्थिति थी उसमें 2 मौतें ऐसी हो गई जो बड़ी दयनीय थी, और हम लोगों ने भी हम जब गए तो लोगों ने ये भी कहा था कि भाई ये स्थितियाँ हैं, तो ऐसे में ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा आगमन खत्म हो जाता है। तो ये जो पुल हैं इन पर हमारा निश्चित रूप से महोदय विचार करेंगे। सभापति महोदय, मुझे मदनपुर में इको टूरिज्म को बढ़ाने के हिसाब से 2 करोड़ रुपए की लवकुश वाटिका दी है, ये बहुत ही धन्यवाद देता हूँ मैं मुख्यमंत्री जी का। इसके साथ साथ एक बात और कहता हूँ कि रणथंभौर से बाघों का करौली सर्वोदरा बाड़ी की ओर वन क्षेत्र में विचरण होने लग गया है। आज स्थिति यह है कि मेरे सरमथा क्षेत्र में ही 5 टाइगर कम से कम देखे जा सकते हैं, और पूरी सरकार की योजना और उसके तहत पूरा सर्वे हो चुका है, सब बात हो चुकी है। समाप्त करें। और ये महोदय, मेरे को टोकने के बाद गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये मैं अभी तो लाइन पर आया था, तो ये टाइगर रिजर्व है, इसको सरमथा को टाइगर रिजर्व घोषित करें, इससे निश्चित रूप से बाघों को संरक्षित करने के साथ साथ इसमें उनको फायदा मिलेगा। और एक क्षेत्रीय अधिकारी वन कार्यालय, क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय भी खोलने की मैं मांग करता हूं, क्योंकि सर आपने मुझे थोड़ा सा और टाइम देते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको टाइम निर्धारित है सर, शॉर्ट करता हूँ। अब थोड़ा सा कानून व्यवस्था पर मैं जरूर बात करूँगा सर, क्योंकि कानून व्यवस्था में मुझे भी सरकार ने, आपने आयोग का चेयरमैन बनाया है और एट्रोसिटी एक्ट हमारे आयोग में ये चीज आती है। मैंने 32 जिलों का करीब 2 बार मैं घूम चुका हूँ और वहाँ से मेरे को बात करने के साथ साथ और वर्किंग के साथ ये तय हुआ है कि कानून व्यवस्था में अगर जो सज़ा का प्रतिशत है, जिसको अपन कन्वेंसिंग रेट कह सकते हैं, वो मात्र 5-7% है, तो नतीजे ये निकलते हैं कि जो जुर्म होता है वो जुर्म के साथ साथ धीरे चलते चलते वो फ्री हो जाता है, और सज़ा जो है ना वो एक ऐसा यंत्र है, अगर उसका प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश की जाए, और भाई भाई जब अपने एट्रोसिटी एक्ट या कोई सा भी वो होता है तो IO को ये जो एक FR लगाने की जो आदत पड़ी हुई है, इसको अगर मजबूती से कहना अपने ढंग से ट्रीट किया जाए तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि सज़ा प्रतिशत से कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। महोदय, मैं लास्ट में अपनी बात समाप्त करने के साथ साथ आंगई में पुलिस चौकी खोली, उसके लिए धन्यवाद। अब मेरे 2 सीमाएं पड़ती है, एक तो सरमथरा करौली, दूसरा बथुआखो में, एक बयाना बसेड़ी में, जो दोनों सीमाओं पर हम पुलिस चौकी की मांग करते हैं। महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।